हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्मार्ट डॉग्स ट्रेनिंग में और मेरा नाम सुनील श्रीवास्तव। तो चलिए शुरू करते हैं डे 3 की वीडियो। इससे पहले आपको कुछ चीज़ बता दूं, ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों की जो मेनली प्रॉब्लम कॉमनली रहती है रॉट के साथ, अधिकतर मोस्टली लोगों के साथ रहती है कि क्योंकि ये डोमिनेंट नेचर का डॉग है, ठीक है। ऐसे डॉग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं अगर उनको अच्छे तरीके से लीड ना किया जाए, क्योंकि इनको एक लीडरशिप की ज़रूरत होती है। अगर लीडरशिप अच्छे से नहीं मिल पाई इसको, आपने डॉग को डोमिनेट नहीं किया तो वो आपको डोमिनेट करेगा। उसके लिए क्या करना होगा, उसके बिहेवियर को समझना है। ये हमेशा लीडर बन के रहना चाहते हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं, ठीक है। इस नेचर के ऊपर मैं पूरे एक्सप्लेन करके एक वीडियो बनाने वाला हूँ, बट मैं अभी इसमें आपको नॉर्मली बता रहा हूँ चीज़ों को। ये डॉग बस इतना समझ लीजिए कि ये रूल करना चाहते हैं कि हमारी बात कोई माने, हम किसी की बात जल्दी ना सुने, ठीक है। तो मोस्टली रॉटवेलर ऑनर के साथ ये भी प्रॉब्लम आती है कि हमारा डॉग जब हम खाना खिलाते हैं उसको, तो खाना जब खिलाया हम उसके पास बैठे तो ग्रॉल करता है, हमारे पर गुर्राता है और खाना हमें वहाँ खड़े नहीं होने देता, ठीक है। और अगर हम कुछ हटा लें उसके आगे से धोखे से तो वो काट लेता है। तो उसी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने वाला हूँ इसमें। हालाँकि ये डॉग नहीं काटेगा, बट आपको क्या प्रिकॉशन लेने हैं वो चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उसके लिए आपको ज़रूरत होगी कुछ ट्रीट खिलाने की, जो चीज़ आपको ज़रूरत होती है उसको वो आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और टॉमी बॉय, गुड बॉय। सबसे पहले डॉग को लीश कर लीजिए, टाई कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपका डॉग हो सकता है आप 4-5 महीने का ही लेके आए हो, तो कभी कभी 5-6 महीने में डॉग बहुत तेज़ हो जाता है, अचानक से कुछ भी चीज़ हटाने पे खिलाने पे अटैक करने लगता है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा और चोक चेन यूज़ करनी है आपको, ठीक है। स्टे फिट हमेशा, वही चीज़ नो बैड हैबिट, वही चीज़ आपको रखनी है कि एकदम आपने डिसिप्लिन से हटना नहीं है। ये नहीं आ गया तो आ जाने दो, जब हमें ज़रूरत है तब रोक रहे हैं, ऐसा नहीं। हमेशा रोके, नो स्टे वेट, हमेशा रोकेंगे, ठीक है उसको। वेट स्टे, डॉग को स्टे बोलना है, वेट फूड परमिशन वगैरह ये सारी कमांड्स मैंने पहले अपलोड कर रखी हैं, कैसे सिखाना है क्या करना है ये सिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ चेक कर सकते हो जाके मेरी वीडियो प्लेलिस्ट में। बट सबसे पहले आपको ट्रीट हाथ में लेंगे डॉग को, ठीक है। और आपने बाउल में रखने के बाद स्टे वेट और स्टे डॉग को देनी है खाने के लिए, और उसके बाद वेट स्टे और थोड़ी देर वेट करना है, ठीक है। वेट स्टे, कोई भी चीज़ अगर डॉग आपका खा रहा है, कुछ भी खिला रहा है डॉग को, तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे आप वेट करो, वेट नो, अगर बार्क कर रहा है उस समय नहीं देनी है, नहीं तो वो बार्क करेगा चीज़ों को खाने के लिए, आपको परेशान करेगा, चिल्लाएगा, ठीक है। जब कामली वो बैठ जाएगा रिलैक्स होके, फिर आपको दे देनी है। जैसे रिलैक्स, जब ट्रीट की तरफ ध्यान ना जाए तब आप देंगे, ठीक है। स्टे वेट, और ट्रीट के कई सारे पार्ट आपको रखने हैं अपने हाथ में। नो स्टे वेट डाउन देयर रिलैक्स, बहुत सारी ट्रीट इसमें रख देनी है छोटे छोटे पीस करके, जैसे खाने में उसको थोड़ा सा टाइम लगे। बाउंड्रीज फिक्स करनी है, नीचे गिर भी जाएगा तो उसको खाने नहीं देना है, नो, ठीक है। इसके बाउल में ही डालना है, नो स्टे बैड हैबिट, नो स्टे सिट। अगर इस तरीके से करता है तुरंत उसको रोकना है, ठीक है। कॉमनली लोगों के साथ प्रॉब्लम आएगी, चोक चेन इसी चीज़ में हेल्प करती है आपकी। स्टे वेट, कभी कभी हो सकता है बाइट भी करते हो डॉग, तो शुरू से ही ये चीज़ प्रॉब्लम आने के बाद की नहीं आए ना, इसीलिए मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। जिसके साथ आ गई है उसका केस अलग है, उसको अलग तरीके से सुधारा जाएगा, ठीक है। वेट स्टे, आपको क्या करना है, वेट स्टे, रोकना है इसको, ठीक है। और ट्रीट को क्या करना है, ईट, अभी खा रहा होगा डॉग, गुड बॉय शाबाश, ऐसे करते रहना है, ठीक है, शुरू से ही। टेक इट, टेक इट, गुड बॉय, टेक इट, ईट, ईट, गुड बॉय। इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, रॉटवेलर, सिट, गुड बॉय, स्टे, वेट, बैठ, गो टू कैनल, गो इन, सिट, स्टे, वेट, वेट, स्टे, ईट, गुड बॉय, ईट, शाबाश। जब भी खाना खा रहा हो तो डॉग को प्यार करते रहो, सहलाते रहो, उसको टच में रखो, उसके पास बैठे रहो, ठीक है। इस तरीके से खिलाते रहो चीज़ों को, धीरे धीरे उसके बाउल में डालते रहो या किसी चीज़ से स्पून वगैरह से उसको शेक करते रहो, जिससे उसकी हैबिट हो जाएगी डॉग की कि ये तो नॉर्मल चीज़ है और मेरे आगे से ये हटाएंगे नहीं फूड, तो इसलिए वो आपको बाइट भी नहीं करेगा और आपको परेशान भी नहीं करेगा और आपके सामने ये प्रॉब्लम नहीं आएगी इन फ्यूचर। और कभी भी डॉग बाइट की प्रॉब्लम नहीं होगी आप किसी फैमिली में किसी मेम्बर के साथ। और
हर एक फैमिली मेंबर के साथ आपको अटैचमेंट बनाना है डॉग का। हर एक फैमिली मेंबर उसको वॉक के लिए लेके जाए, भले ही रोज ना लेके जाए तो वीकली लेके जाए, और हो सके तो कुछ ना कुछ खाने को डेली जैसे कोई ना कोई फूड उसको खिलाता रहे। जरूरी नहीं है कि प्रॉपर एक ही पर्सन है जो उसको फीडिंग करा रहा है, बदल बदल के। इवन छोटा बच्चा भी है घर में तो उससे भी कुछ खाने के लिए दो, जिससे उनका बॉन्ड क्रिएट हो डॉग के और आपके फैमिली मेंबर्स के बीच में। तो एक बॉन्ड बनाना है, ठीक है। जब भी आप बैठे हुए हो रिलैक्स होकर उसको भी बीच में बैठा लिया, ठीक है, उसको प्यार कर रहे हैं, उसको पेट पे सहलाते रहना है, ठीक है। लोग क्या करते हैं बड़ा होने के बाद ये चीज़ें शुरू करते हैं, ठीक है, फिर बाद में क्या करता है डॉग के अगर आपने चेस्ट पे हाथ लगाया हाँ घुर्रा देता है वो, ठीक है, तो प्रॉब्लम आती है वहाँ कि वो घुर्रा रहा है। कान पे हाथ लगाया तो कान को नहीं छूने देता है, काटता है, काट देगा एकदम अचानक से, आपने क्या करा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। नो टॉमी दिस साइड गो इन, ठीक है। तो आपको पूरा डिसिप्लिन डॉग बनाना है। सिट स्टे, उसके लिए आप क्या करेंगे कि सारी चीज़ें जैसे प्रॉपर उसके माउथ को टच करते रहेंगे, ठीक है, ठीक है। माउथ अगर आपका चबा रहे नो बैड हैबिट, चबाने नहीं देना है, बताना है उसको नो बैड हैबिट, बताते रहिएगा तो उसको पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ गलत होती है क्या क्या चीज़ सही होती है। एक बच्चे की तरह उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। और कभी भी घुरा रहा है तो नो प्रेशर भी क्रिएट करके रखना है अपना, कि बताना है उसको हम आपके बॉस हैं और आपको हमारी बात सुननी होगी। कभी भी अपनी बात मनवाने की कोशिश नहीं करनी है, उसने घुराया आपको डरना नहीं है, नो बैड हैबिट, तुरंत डरा और देना है उसको, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सीरीज़ देखते रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें मिलने वाली है सीरीज़ में। तो आई होप कि आपके सामने ये प्रॉब्लम नहीं आएगी इस वीडियो को देखने के बाद, ये चीज़ आप फॉलो करेंगे आपको। और अगर आप इस तरीके की और वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और हम लोग को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, हम लोग वहाँ पे लाइव आते हैं, स्क्रीन पे आईडी दी जा रही है हमारी, वहाँ पे आपकी लाइव प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। और इससे अलग अगर आपको हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करना है, अगर खुद से अपने डॉग को सिखाना चाहते हो, तो अभी स्क्रीन पे जो नंबर दिया जा रहा है उन पे व्हाट्सएप करके मेंबरशिप लिख के भेज दीजिए, व्हाट्सएप पे मेंबरशिप लिखिए और भेज दीजिए, हम आपको पूरे कोर्स की डिटेल्स भेज देंगे, ठीक है। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे होम।